हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपके क्लास नाइन्थ का जो टर्म वन का हिंदी का पेपर था उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, सो आइए फटाफट से हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे देखते हैं एंड सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका पठित गद्यांश था तो हम लोग इसके देख लेते हैं। जो आपका ये वाला क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, एंड जो आपका सेकंड क्वेश्चन था उसका भी सेकंड ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका फोर्थ क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, एंड जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन था उसका हो जाएगा आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, एंड आपके जो सेकंड वाला गद्यांश था उसके भी हम लोग आंसर लेके आए हैं आपके साथ। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो जो सिक्स क्वेश्चन था उसका आपका थर्ड को आंसर है, सेवन्थ का आपका बी आंसर यानी खा आंसर है। ठीक है, और आपका एट्थ का भी खाई आंसर हो जाएगा। एंड और बात करें हम लोग तो आपका जो नाइन्थ क्वेश्चन है उसका आपका गा हो जाएगा, और टेंथ क्वेश्चन का भी आपका गा हो जाएगा। ठीक है, एंड अब हम लोग बात करते हैं आपके काव्यांश की। ठीक है, सो काव्यांश हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इलेवंथ का आपका खा हो जाएगा, ट्वेल्थ का भी आपका खा हो जाएगा, एंड थर्टीनथ का आपका गा हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो फोर्थ है उसका आपका घा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घा। ओके, और देख लेते हैं हम लोग कि फिफ्टीन का आपका खा हो जाएगा। ठीक है, ओके, और हाँ बच्चों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, और देखते हैं 16 का आपका गा हो जाएगा, 17 का आपका खा हो जाएगा, एंड आपके 18 का गा हो जाएगा, और 19 का खा हो जाएगा, एंड 20 का खा हो जाएगा। ठीक है, और करते हैं हम लोग यहाँ पे जो आपके व्याकरण से थे, 21 का आपका खा हो जाएगा। ठीक है, और 22 का आपका घा हो जाएगा, 23 का इमा गा हो जाएगा, 24 का आपका खा हो जाएगा, एंड 25 का आपका यहाँ पे विश्वास हो जाएगा। ठीक है, ओके, और हम लोग करें यहाँ पे तो 26 का आपका घा हो जाएगा, 27 का भी घा, एंड 28 का खा। ठीक है, और 29 का आपका खा हो जाएगा, जो मैं टिक कर रहा हूँ खाली वही सही ऑप्शन होंगे। ठीक है, एंड 30 का आपका घा हो जाएगा। ठीक है, मैं फटाफट आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आपको और भी प्रैक्टिस करनी होगी इंग्लिश की तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी और भी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। ठीक है, 31 का आपका घा हो जाएगा, और क्वेश्चन हम लोग फटाफट करते हैं। 32 का घा हो जाएगा, 33 का आपका घा हो जाएगा, एंड 24 का घा हो जाएगा, एंड 35 का आपका यहाँ पर घा हो जाएगा। ठीक है, और आपका 36 का क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा। ठीक है, तो और हम लोग करते हैं यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, सो 37 का भी आपका गाई है यहाँ पे, एंड 38 का आपका यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे जो कि हो जाएगा यहाँ पे श्लेष अलंकार। ठीक है, ओके, एंड 39 का आपका यहाँ गा हो जाएगा, एंड 40 का आपका खा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अब हम लोग यहाँ पे जो कि आपके छोटा सा पैसेज देखे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, 41 का खा हो जाएगा, 42 का गा हो जाएगा, 43 का गा हो जाएगा, 44 का खा हो जाएगा। ठीक है, ओके, एंड और देखिए हम लोग यहाँ पे, सो आपके 45 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। ठीक है, एंड 44 का गा हो जाएगा, सॉरी 48 का, 46 का गा हो जाएगा, एंड 47 का भी गा हो जाएगा, एंड जो आपका और देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे जो 48 है उसका भी गा हो जाएगा, 49 का आपका घा हो जाएगा, 50 का आपका खा हो जाएगा। ठीक है, एंड 51 का आपका खा हो जाएगा, 52 का गा हो जाएगा, एंड 53 का आपका, ठीक है, यहाँ पे खा हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन आपका जो कि था 54, उसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गा हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेके आते हैं। थैंक यू।